बट मुझे जो ये प्रोडक्ट मिला है वो चारों तरफ से बहुत अच्छा है, बेहतरीन है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों इसे खोलने के लिए। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और बताते हैं इसमें कैसा प्रोडक्ट आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं धीर कुमार और आज का वीडियो उन गृहणियों के लिए जिनके किचन में आटे को लेकर हमेशा 5 समस्या रहती हैं। नंबर 1, आपका गेहूं कौन पिसवा के लाएगा क्योंकि आपका घर मार्केट से दूर है। नंबर 2, आपका महंगा गेहूं कहीं कोई आटा चक्की वाला बदल ना दे, आपको हमेशा डाउट रहता है। नंबर 3, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के मेंबर्स हमेशा ताज़ा आटे की रोटियां खाएं। नंबर 4, आप अलग अलग तरह का आटा इस्तेमाल करती हैं जैसे कि बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, गेहूं का आटा, मिस्सा आटा या फिर आप दलिया वगैरह पीसना चाहते हैं। और नंबर 5 ये कि आप 100% अपने किचन में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप 100% अपने किचन में इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रही हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम डोमेस्टिक फ्लोर मिल यानी कि माइक्रो एक्टिव किचन अप्लायंसेस की तरफ से फ्लोरेंस जिनका मॉडल है उस डोमेस्टिक फ्लोर मिल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, उसके फीचर्स बताने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं हमारी इस खास फ्लोर मिल की। तो दोस्तों हमने ऑर्डर कर ली है अमेज़न से माइक्रो एक्टिव किचन अप्लायंसेस की टॉप मॉडल डोमेस्टिक फ्लोर मिल फ्लोरेंस की। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की किच पैकिंग में आती है। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन आती है हमें कंपनी की तरफ से यानी कि माइक्रो एक्टिव की तरफ से वो ये कि आप कोई भी ऐसा शिपमेंट प्रोडक्ट जो है वो रिसीव ना करें डिलीवरी बॉय की तरफ से जिसकी पैकेजिंग जो है बाहर से कहीं से भी डैमेज हो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं कि उसके अंदर का प्रोडक्ट है वो भी डैमेज हो सकता है, फिर ऐसे आपको आगे परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि अगर आपको ऐसी कोई प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि पहले से ही डैमेज है बाहर से, तो आप उसको रिसीव ही ना करें। बट मुझे जो प्रोडक्ट मिला है वो चारों तरफ से बहुत अच्छा है, बेहतरीन है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं दोस्तों इसे खोलने के लिए। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और बताते हैं इसमें कैसा प्रोडक्ट आ रहा है। दोस्तों ये है वो कमाल की पैकिंग जो कि कंपनी ने करके दी है ताकि आपको डिलीवरी में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करने के बाद हमें ये शानदार प्रोडक्ट मिलता है, ये है फ्लोर मिल आपके अपने घर के लिए, उन गृहणियों के लिए जो कि चाहती हैं कि आप अपना जो गेहूं का आटा है या फिर बाजरे का आटा है वो घर में ही पीसे, या फिर आपको मिस्सा आटा बनाना है तो भी आप घर में ही पीसे, बार बार आपको बाहर ना जाना पड़े, आपकी जो गेहूं के आटे की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे, उसके लिए शानदार प्रोडक्ट आपके लिए। इससे पहले कि हम इसको ऑपरेट करके दिखाएं यानी कि इसके अंदर के जो पार्ट्स वगैरह हैं ऐसे इनके बारे में एक एक करके बताएं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि कंपनी की तरफ से जो हमें और इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों जब हम इसका अपर डोर खोलते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट मिलती है जो कि कंपनी द्वारा दी गई है और सबसे ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि जब आप पहली बार इसमें गेहूँ पीसें तो जितना भी गेहूँ आप पीस रहे हैं 1 किलो 2 किलो उसको आप पहले बाहर फेंक दीजिएगा। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस हैं 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं, इंग्लिश में, एक और लैंग्वेज और हिंदी में, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसमें पढ़ के आप जान सकते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर धनिया और जीरा पाउडर इसमें नहीं पीसना है। जी हाँ, धनिया और जीरा पाउडर इसमें नहीं पीसना है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हाईलाइटेड करके दिखाई गई है यहाँ पर वो ये कि कृपया करके सूखा हुआ अनाज ही इसमें पीसें। जो अनाज आप इसमें पीस रहे हैं आप ध्यान रखिएगा वो मोइस्ट ना हो, गीला ना हो, जिससे इस
प्योर मिल्क को कोई नुकसान ना हो। और इन केस आपको इसके बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो आप इनके कस्टमर केयर नंबर पे बात कर सकते हैं। ये है इसका अपर हुपर और जब हम इसे खोलते हैं सबसे पहले हमें मिलता है ये कीरिंग जिसपे माइक्रो एक्टिव का लोगो है और इसके साथ साथ हमें मिलता है यहाँ पर एक पेपर जिसमें लिखा गया है कि आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें सबसे पहले मिलती हैं। तो इसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर ये यूज़र मैनुअल और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। माइक्रो एक्टिव की तरफ से कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी गई है दोस्तों जिससे आपको यानी कि हमारी जो गृहणियाँ हैं उसको इस फ्लोर मिल को इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कोई सवाल पूछना है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं और वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिलता है हमें ये एक कवर जो कि हमारे इस फ्लोर मिल का कवर है दोस्तों। बट मैं आपको बता दूँ ये फ्लोर मिल इतनी सुंदर है इतनी ट्रेंडी है कि इसको कवर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप घर के किसी भी कोने में रखें ये सुंदर लगेगी और अच्छी लगेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर हमें चार व्हील यानी कि अगर आप इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस से ले जाना चाहते हैं तो इसे फ्लेयर व्हील्स के जरिए आप ले जा सकते हैं और ये बहुत अच्छा है इसमें ये ऑप्शन। व्हील्स की क्वालिटी की दोस्तों मैं बात करूं बहुत अच्छा प्लास्टिक इसमें यूज़ हुआ है ताकि ये इस भारी डोमेस्टिक फ्लोर मिल का वजन जो है उठा सकें। दोस्तों इसमें आपको मिलती हैं लगभग 8 जालियाँ जिसको आप इसमें यूज़ करेंगे और अपने हिसाब से आप जो अपने आटे की मोटाई है वो रख सकते हैं। अगर आपको दलिया पीसना है तो आप मोटा जाला यूज़ कर सकते हैं और आपको बिल्कुल मैदा की तरह बारीक आटा पीसना है तो आप फर्स्ट नंबर की जाली यूज़ कर सकते हैं, दो नंबर, तीन नंबर के जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जाली इसमें यूज़ कर सकते हैं। अलग तरह से इसको दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हिंदी में आपको हर जाली को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह का आपको आटा बनाना है वो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। तो ओवरऑल कंपनी ने ये पूरा ध्यान रखा है कि जो भी गृहिणियाँ घर पे हैं उनको एक मदद मिले कि इसको किस तरह से यूज़ करना है और किसी तरह का उनको कन्फ्यूज़न ना हो, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें मिलती है वो ये है वो ब्रश जिसको आपको इस्तेमाल करना है। इस फ्लोर मिल को यूज़ करने से पहले इसकी सफाई करनी है और इसको यूज़ करने के बाद फिर से इसकी सफाई करनी है ताकि आप इसको बहुत लंबे टाइम तक चला सकें और इसमें कोई दिक्कत ना आए। ये जो वायर दी गई है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है और दोस्तों ये जो वायर है के साथ ये सॉकेट मिल रहा है, ये जो है प्लग आपको 15 एम्पीयर का मिलता है। कंपनी कहती है कि आप इसको यूज़ करें मिनिमम 15 एम्पीयर के जो सॉकेट है उसी में यूज़ करना है और कोशिश कीजिए कि आपके घर में अर्थिंग ज़रूर हो यानी कि जिस प्लग से आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अर्थिंग का वायर ज़रूर हो ताकि इसकी जो क्वालिटी है और इसकी जो लाइफ है वो बनी रहे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इसमें दी गई है। दोस्तों अब मैं आपको फिर से बता दूँ यहाँ पर ये जो अपर हुपर है वो किस तरह से काम करता है। आपने अपना ग्रेन यानी कि आपने कोई भी अनाज इसमें डाला और डालते ही ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कैसे स्टार्ट होगी ये हम आपको बताएंगे, इससे पहले बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो दोस्तों देखते हैं अब इसका मैकेनिज्म क्या है। आप जैसे ही फ्रंट डोर खेलते हैं इसका तो खोलने के बाद सबसे पहले आपको जो बटन दिखाई देता है वो है ये चाइल्ड लॉक सिस्टम यानी कि अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं और इसका दरवाज़ा बंद है कोई बच्चा इसे गलती से कैसे खोल देता है तो ये मशीन अपने आप ही रुक जाएगी, ये फ्लोर मिल वहीं के वहीं रुक जाएगी, कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। तो ये सेफ्टी फीचर्स बहुत बेहतरीन इसमें दिया गया है। अब आप बात करते हैं नीचे आते हैं यहाँ पर एक बटन दिया गया है इसके ऊपर लिखा हुआ है बदरी और नीचे लिखा हुआ गेहूँ यानी कि दोस्तों कंपनी कहती है अगर आप कोई भी लंबा गेहूँ या फिर लंबा जो अनाज जैसे कि गेहूँ हो गया या फिर चावल हो गया उसे पीसना चाहें तो उसके लिए आपको इस बटन को नीचे रखना होगा और अगर आप कोई गोल अनाज पीसना चाहते हैं जैसे कि बाजरा हो गया या फिर चना हो गया कोई दाल हो गई तो आपको उसके लिए इसको ऊपर रखना होगा, तब आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस सर्कल की, ये है मेन मैकेनिज्म। आप जैसे इसे थोड़ा सा ढीला कर लीजिएगा और ढीला करने के बाद ऐसे खोलते हैं तो आप इसे ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पर आपके गेहूँ आपका अनाज आपकी दालें वो पिसती हैं। ये 6 ब्लेड देख रहे हैं, जब ये ऐसे सर्कल में घूमता है तो यहाँ पर इसकी पिसाई होती है और इस जाली के ज़रिए वो यहाँ से नीचे जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको इसको ऐसे साफ़ कर लेना है, कभी भी आपको यूज़ करना है बहुत इजीली साफ़ हो जाएगा। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे आपकी इस मशीन को पहले साफ़ करना है, जब आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद भी इसे ऐसे ही साफ़ करके जहाँ भी आपको लगे कि फ्लोर लगा हुआ है आटा लगा उसे साफ़ करना है।
अब दोस्तों बात करते हैं जाली की। जाली को आपको ऐसे स्लाइड करके निकालना है। आप देख रहे हैं, आप नंबर 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर की जाली लगाएं और आपको इसे ऐसे यहाँ पर स्लाइड कर देना। मैकेनिज्म ये है कि इसके अंदर आपके ग्रेन पिसते हैं और यहाँ से नीचे जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अगर आप इसे जब बंद करने वाले हैं, उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कोई दाना किसी भी तरह का ना फंसा हो या फिर कोई कपड़ा इसमें ना फंसा हो, और इसको आप अच्छे से देख कर ऐसे बंद कर सकते हैं। ये हो गया अच्छी तरह से बंद। अब आपको इसे यहाँ पे ऐसे लॉक करना है। तो ये काम हो गया यहाँ का। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ है दोस्तों एक जाली, जिससे होकर इस कंटेनर में नीचे यानी कि स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में आपका फ्लोर, आपका आटा जो है वो जाता है। तो इसको कैसे यूज़ करना है देखिए। सबसे पहले फिर से आपको बता दूँ, इसकी भी जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। आप इसे ऐसे बाहर खींचिएगा और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें से होके आटा जाता है नीचे, और इसको निकालना बहुत ही आसान है। एक और इंस्ट्रक्शन दोस्तों मैं आपको बता दूं कंपनी की तरफ से, ये कि आप इसमें से किसी भी चीज़ को धोएंगे नहीं, यानी कि इस जाली को, इस कपड़े को इस पानी से नहीं धोना है, अंदर की जालियों को भी आपको पानी से नहीं धोना है, सिर्फ आपको ब्रश से साफ करना है। और ये जो आप जाली देख रहे हैं ये इस कंटेनर से इस रिंग के ज़रिए जुड़ी हुई है। ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है वो जाली और ये कंटेनर, और इसके साथ ये जो रिंग है उसके साथ ये अटैच होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ ये डिटैच कैसे होता है, अगर इसको आपको साफ़ करना है तो। इसको आपको इस रिंग से यहाँ से इसे ऐसे पुश करना है, और ये रिंग जो है इस कंटेनर से ऐसे अलग हो जाती है। इस तरह से आपको ये जो है वो चीज़ मिलती है, यहाँ पर ये रिंग और ये इसके साथ कपड़ा और ये जो इसके साथ। अब ये है हमारा कंटेनर जिसके अंदर आपको मिलता है आपका जो ग्रीन पिसा हुआ यानी कि आपको आटा मिलता है, जो कि आप पिसना चाहते हैं वो पिसा हुआ चीज़ आपको मिल जाएगी। इसको दोबारा लगाने के लिए वही मेथड है, आपको इसको यहाँ पे अटैच करना है और इन रिंग्स के साथ के जो ये पिंस हैं इनको ऐसे बंद कर देना है। तो इसको आपको धोना नहीं है, इसका भी वही खास रूल है कि इसको आपको धोना नहीं है और इसको आप ऐसे जैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस फ्लोर मिल के जब पीछे की साइड में आते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्टिकर मिलता है जिसमें आपको बताया गया है उस सर्किट के बारे में जो कि इसके दोनों मोटर से साथ अटैच है। यहाँ दोस्तों अगर आपको इसमें थोड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम होती है, हल्की फुल्की, जैसे आप खुद ठीक करना चाहें या फिर किसी आसपास के मैकेनिक से ठीक कराना चाहें, तो इस सर्किट की मदद से आप उसको ठीक कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर करना है। तो ये बहुत हेल्पफुल है कंपनी की तरफ से, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा सर्किट किस तरह से काम करता है और आप इसे अच्छी तरह से अपने आप भी रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं इसके अंदर दोस्तों ऐसी आवाज आती है, यानी कि ये मशीन, ये फ्लोर मिल चलने को तैयार है। और आपको मैं बता दूं चाइल्ड लॉक कैसे काम करेगा। जैसे ही मैंने इसे खोला, ऐसे खींचा, ये बंद हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जब ये इसमें पावर सप्लाई रहती है तो इसमें ये लाइट जलती है, ताकि अगर आपकी फ्लोर मिल घर के किसी ऐसे कोने में है जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है, तो आप इस लाइट के जरिए की मदद से आप देख सकते हैं आपको जो भी काम इसमें करना है, चाहे कंटेनर निकालना है या फिर इसमें जालियाँ चेंज करनी है, इसकी सफाई करनी है, तो ये कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे खोलते हैं। ये जैसे मैं ओपन किया, अब इसका जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये बंद कैसे होगी। हम लेते हैं यहाँ पर गेहूँ, और गेहूँ को हमें डालना है इसके अंदर। चलिए दोस्तों तो अब हम इसमें डालेंगे ये गेहूँ, और आप देखिए जैसे ही ये गेहूँ इसके अंदर जाएगा ऑटोमेटिकली अपर ऊपर से जैसे ही गेहूँ नीचे जाता है ये मशीन ऑन हो जाती है और आपका जो गेहूँ है वो पीसना शुरू हो जाता है। देखिएगा, देखा जैसे ही गई गेहूँ हमने इसमें डाला ये पीसना शुरू हो गया। जो आप इसमें आवाज सुन रहे हैं बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है कि मेरे घर में एक ऐसी फ्लोर मशीन है जो कि हम मेरे मनपसंद का आटा वो पीस सकते हैं। जो ग्रहणियां हमें देख रही हैं उनको भी देख के लग रहा होगा कि अगर ये मशीन आपके पास हो, ये फ्लोर मिल आपके घर हो, तो आप अपने मनपसंद का आटा, चाहे वो गेहूं का हो, बाजरे का हो, मक्का का हो, कोई भी आटा है वो आप इसे पीस सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आप एक और फंक्शन में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप इसे बंद करके चले गए,
काम करने के लिए लग गए, जब तक ये हो रहा है तब तक आप कुछ काम निपटा रहे हैं। गलती से बाय चांस कोई बच्चा आता है और इसको ऐसे खोल देता है तो ये मशीन क्या काम करती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था चाइल्ड लॉक सिस्टम के बारे में, वही देखिए 1 2 3 ये मैंने खोला और ये बंद हो गया। जैसे ही खोला ये बंद हो गया। ये चाइल्ड लॉक सिस्टम कितना अमेजिंग है और आपको ये जान के, मतलब ये जान के बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा सेफ्टी फीचर दिया गया है। और दोस्तों अब हम इसे बंद कर देंगे, फिर से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 स्टार्ट। तो दोस्तों है ना कमाल की मशीन, मजेदार। दोस्तों जैसे ही इसमें गेहूं कम होने चालू हो जाते हैं, यानी कि आपका जो अनाज है खत्म होना चालू हो जाता है, ये मशीन ऑटोमेटिकली रुकती नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग का काम करती है। वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग क्या है, यानी कि जब तक एक भी दाना उस सर्कल के अंदर है, यानी कि इसके जो आप सर्कल मैंने आपको दिखाए थे, जो ब्लेड्स दिखाए थे उनके अंदर है, तब तक ये पिसाई करती रहती है। और जब वो सारे दाने जो है निकल जाते हैं उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग अपने आप करती है और फिर ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाती है। अब इसमें ऑटोमेटिक क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, यानी कि लगभग सभी दानों को ये अच्छी तरह से प्रोसेस करने के बाद अपने आप ही बंद हो जाएगी। दोस्तों अभी आवाज़ सुन रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए कि इसके अंदर जो प्रोसेस है पूरी तरह से पूरा हो गया है और ये आवाज़ होनी शुरू हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फ्लोर पिस गया है या नहीं, यानी कि हमारे जो गेहूँ है पिस के आटा बन गया या नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। ये मैंने खोला, यहाँ पर देखा और ये दोस्तों ये आपका आटा बिल्कुल तैयार है। ये है आपका आटा, यहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त, हालांकि थोड़ा सा गर्म है। और अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसको साफ़ कैसे करना है, इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों प्राइस की बात की जाए तो अमेजोन पे ये अमेजिंग डोमेस्टिक फ्लोर मिल जो कि माइक्रो एक्टिव की तरफ से आती है वो आपको मिलती है लगभग 14,000 रुपये में। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं और आपको बेस्ट डील मिल सकती है। तो दोस्तों चलते चलते बात कर लेते हैं हमारी इस फ्लोर मिल की एनर्जी एफिशिएंसी की। जी हाँ दोस्तों, 4 स्टार के साथ इसकी मोटर बहुत ही कम बिजली लेती है। आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी, बहुत ही कम आवाज़ है और रिजल्ट्स अमेजिंग है। माइक्रो एक्टिव किचन अप्लायंसेस की तरफ से जो आपको डोमेस्टिक फ्लोर मिल मिल रही है, ये विमेन चॉइस है, यानी कि गृहिणियों के लिए बना हुआ एक बहुत ही शानदार तोहफा है। दोस्तों आप इसे देखेंगे तो आप इसे प्यार कर बैठेंगे, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, एक तो घर में ये रखी हुई बहुत अच्छी लगती है, ज्योतिष के अनुसार भी अगर आपके घर में कोई चक्की होती है वो आपके घर के वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। जो गृहिणियाँ देख रही हैं मेरा वीडियो, आपको मैं बता दूँगा, आपको मैंने एक एक चीज़ जो है बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताई है यहाँ पर। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पे जो दिया गया है इसके डिस्क्रिप्शन में और हमारी जो मैनुअल बुक है उसके अंदर, मैनुअल यूज़र जो है उसके अंदर दिया गया है, आप उसे बात कर सकते हैं हमारे कस्टमर केयर पे। और इसके अलावा अगर आप फिर भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए ना, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, बताऊंगा इस फ्लोर मिल के बारे में, आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। इसको मैं यूज़ करता रहूंगा और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहेंगे उसको मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा ताकि आपको पता लगता रहे कि मैं इसे यूज़ कर रहा हूं तो मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, या फिर कोई और अमेजिंग चीज़ मुझे पता लगी तो वो मैं इसमें आपको ज़रूर मेंशन करके बताऊंगा। दोस्तों आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे सारे वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा, या फिर क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है जब हम इस तरह के वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ये आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो का आप पसंद ज़रूर कर रहे हैं मुझे पता है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जो भी गृहिणी या फिर जो भी आप हमारे व्यूअर्स हैं नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें और हमारे अप्लाइंसेज पहुँचा सकें, हम जो अनबॉक्स करते हैं वो चीज़ें आप तक पहुँचा सकें।
दोस्तों इससे पहले मैं लूँ आपसे इजाज़त, आपको एक काम करना है, छोटा सा बहुत छोटा काम है, आपको हमारे जो फेसबुक पेज है यानी कि खुराफाती बाबा डी के, उसको लाइक करना है और फॉलो करना है हमें इंस्टाग्राम पे, ताकि आप जान लें कि हमारा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है और किस टॉपिक पे आने वाला है। इसी के साथ मैं खुराफाती बाबा डी के लेता हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे जल्दी एक नई अनबॉक्सिंग में नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।